साहब, घमासान.com में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज खास बात कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ कवित्री और लेखिका मीना गोड़ जी। मीना जी, आपका स्वागत है। कविता पर हम बात कर रहे हैं, नई कविता, नए युग में नई कविताएं लिखी जा रही है। नई कविताएं लिखी जा रही हैं, क्योंकि हमारा समाज बदलता है, नए नए विषय आते हैं, नई नई परिस्थितियाँ होती हैं, बस उन्हीं को लेकर कवि अपनी कविताएं लिखते हैं और उन्हीं के ऊपर चर्चाएं होती हैं। नए विषय की बात आपने की, तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या महिला कवित्रियाँ वो महिला पर हो रहे अत्याचार और सुरक्षा के विषय पर भी कविताएं लिख रही हैं? आज के माहौल में जो जो सब कुछ हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी महिलाओं ने बहुत कविताएं लिखी हैं, अपनी कलम उठाई है और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें जागरूक करें, इन चीज़ों से लड़ने की उन्हें हिम्मत बनाएं। बस इसी कोशिश के साथ हम अपनी तैयारी करते रहते हैं और जागरूकता फैलाते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये महिलाओं की ये जो कलम चल रही है और इससे एक जागरूकता आएगी और मैं देखती हूँ कि समाज में आ रही है। मैं खुद भी इसके ऊपर अपनी कविताएं लिख चुकी हूँ। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान का एक युग था कविता को लेकर, खासकर महिला कवित्री। आज के युग में क्या वैसी कविताएं नई पीढ़ी की कवित्रियां लिख रही? आज के युग में भी महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और बिल्कुल लिख रही हैं। वो समय उस टाइम के हिसाब से लिखी जाती थी, मगर आज का जो बदलते इस युग का जो माहौल है उसके हिसाब से लिखी जा रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आज कम उम्र की युवा बच्चियाँ भी लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो ये थी वरिष्ठ कवित्री और लेखिका मीना गोड़ जी। इनका मानना है नई कवित्रियाँ हैं, वो भी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में महिला कवित्रियाँ और आगे बढ़ेंगी, ये ऐसी इनकी उम्मीद।